कल रिलीज है मुर्शिद की, कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो? क्योंकि जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है काफी बज बन चुका है लोगों में और लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं देखने के लिए, तो आप अपने तरफ से बताएं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो की रिलीज के लिए। आई थिंक हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये रिलीज हो रहा है Z5 पे एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों को बहुत मजा आएगा। एक थ्रिलर गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी है, पुलिस और गैंगस्टर के बीच की कहानी है, तो आप सबको बहुत मजा आएगा। 30th August प्लीज वॉच इट। इसमें आपको किस किरदार में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तनुज जो तनुज की वाइफ का रोल प्ले कर रही हो आप, तो कुछ स्पेसिफिक अपने कैरेक्टर के बारे में? जी मैं बताती हूँ, तो मुर्शिद जो है वो के सर प्ले कर रहे हैं और उनके बेटे का रोल तनुज कर रहे हैं और उनकी बीवी का रोल मैं कर रही हूँ। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है सुनीता, जो बहुत ही मासूम सी लड़की है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसके पति के बीच में और ये पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड के बीच में क्या हो रहा है। वो बस अपनी लाइफ में खुश है, वो मुर्शिद को बहुत रिस्पेक्ट करती है क्योंकि एक फादर फिगर जैसे हैं। उन्होंने उनको तब हेल्प किया था जब उनके पास कुछ नहीं था, तो इसलिए वो अपने पापा जैसे मानती है। वो कुछ भी करेगी, जो भी मुर्शिद कहे वो उनकी हर बात मानेगी। एंड एट द सेम टाइम वो अपने पति को बहुत प्यार करती है, वो उनके बीच में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है तो वो उससे कैसे डील करती है, ये मेरा कैरेक्टर है। मुर्शिद जी को आपने हेल्प किया था? मुर्शिद को आपने हेल्प किया था उस सीरीज में? मतलब मींस आपने, आप पुलिस वाले की एक वाइफ प्ले कर रही हो ना, तो ये जैसे एक्शन मूवी जो भी होती है वो उस चीज में अपने आप को प्रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस तक कनेक्शन बैठना पड़ता है, तो इसमें आपने कितना प्रिपरेशन किया? आपने मुझे कोई, मेरे एक्शन सीक्वेंसेस तो नहीं थे, बट आई थिंक ये जो सुनीता है ये इलाहाबाद की लड़की है, तो आई थिंक वो डायलेक्ट पिकअप करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो और ये लड़की बहुत ही शुद्ध हिंदी में बात करती है, बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ा थोड़ा बहुत, बट आई थिंक अदरवाइज एक बहुत ही सिंपल लड़की है, अपने पति से प्यार चाहती है, बहुत प्यार करती है, उसे गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती है, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप इस्टैब्लिश होता है। एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत इजी हो गया था क्योंकि तनुज मेरे पहले से दोस्त रह चुके हैं, तो हमें सेट पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, हम दोनों दोस्त थे, हमें समझ आता था कि अच्छा ये ऐसा सीन है ऐसा सीन है, हम ऐसे कर लेंगे, डायरेक्टर से बात करते थे और फिर शूट कर लेते थे। हम लोगों ने जितना ऑन स्क्रीन देखा उतना तो काफी मजा आया आप लोगों को एक साथ देखकर, बट ऑफ स्क्रीन आप लोग साथ में थे, आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, तो आप कुछ BTS तनु सर के साथ, केके सर के साथ कुछ भी शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ? जी मैं इतना कहूंगी कि केके सर की बात ही अलग है, वो दूसरे ही लीग में इंसान है, एक्टर, ही इज टू गुड उनके साथ काम करने। मुझे इतना याद है कि मैं और तनुज बहुत फैन बॉय फैन गर्ल हो गए थे जब सर सेट पे आए थे, तो हम ऐसे बात कर रहे, मैं तो बहुत नर्वस थी कि अभी सर से जाके बात करेंगे, फिर उनके साथ सीन्स करने होंगे, ये सब वो सब, और वो बहुत ही मस्त इंसान है, मतलब वो ऐसे हाँ हेलो, बहुत ही चिल इंसान है वो, और उनके बारे में ना वो बड़े ही आराम से जोक्स मार देते हैं, मतलब ऐसे ही अब सीरियस सीन है, हम बैठे हैं सब सीन डिस्कस हो रहा है और वो ऐसे ही कुछ ऐसा कह देंगे जो हंसते हंसते आप लोग पागल हो जाओगे, तो केके सर ऐसे हैं। एंड तनुज तो बस मतलब आई नो हिम, सालों से जानती हूँ, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, वो तो है ही मतलब एकदम मस्ती वाले इंसान है वो, तो उनके साथ काम करने में चाहे ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन उसके साथ हमेशा मजा आता है। रहनुमा, ड्रीम गर्ल, इंदौरी इश्क, हर जगह से आपको इतना ढेर सारा प्यार मिला, लोग आपको आगे भी काफी अच्छा अच्छा काम देखने के लिए पसंद करते हैं, तो आप अपनी तरफ से कैसे स्क्रिप्ट चूज करते हो कि मेरे ऑडियंस का प्यार ऐसे ही बरकरार है? रोलिंग ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है डूब के जाना। नमस्कार, हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका, और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, मैं कहूंगी मल्टी टैलेंटेड, जिन्होंने बहुत सारे आशिकों को बहुत रुलाया है, और हमारे साथ आज मौजूद है वेदिका भंडारी। सबसे पहले तो वेदिका भाई बहुत रुलाया आशिकों को, और बज़ूका पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, कैसे, एंड थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए।
बिल्कुल मतलब रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में नहीं आपका वो जो भाई, हाँ मतलब मुझे, मैंने जब देखा तो मैंने बोला लड़की कितना रुला रही है बताओ, लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे जो हैं वो हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सॉरी टू कट, सारे ब्रेकअप हो रहे थे तब, बहुत लॉकडाउन में ब्रेकअप हो रहे थे भाई, बहुत ब्रेकअप हो रहे थे, हर किसी का सुनने में आ रहा था कि